बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज करते हैं। तो वीवर्स, आज हम बनाने लगे हैं टींडे। तो मैंने ऊपर कढ़ाई रख दी है, फ्लेम को करते हैं जी ऑन। ये जी मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें ये देखें, मैंने हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज काट के रख लिए हैं, धो के काट के रख लिए। अब इसमें जी ऑयल हमारा हो चुका है गरम, अब इसमें डाल दिया प्याज। प्याज डाल के इसकी पहले भुनाई करेंगे, फिर इसके अंदर ये मसाले डालेंगे। सब्जी मैंने धो के तो ये टोकरी के अंदर रख लिए। तब हम इसकी भुनाई करेंगे, जब तक ये सुरख नहीं हो जाता तब तक इसको भूनते रहेंगे। इसके बाद हम ये टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारे प्याज सुरख हो चुका है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची और टमाटर ऐड करेंगे। दो बड़े टमाटर इसके अंदर मैंने कटिंग करके डाल लिए हैं और हरी मिर्ची। फ्लेम को हम आहिस्ता कर लेते हैं ताकि जल न जाए। अब इसके अंदर हम नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे। ये देखें इसके अंदर मिर्चें, सब्जी के मुताबिक हमने नमक मिर्च डालनी है। नमक और हल्दी ऐड करेंगे। नमक मिर्च हल्दी इसके अंदर हमने डाल दी है। अब इसकी बुनाई करेंगे और बुनाई करते वक्त ये ख्याल रखा जाए कि हम फ्लेम को लो कर लेंगे। अगर हम तेज फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये जल जाएगा। हाँ जी, तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। मसाले की बुनाई हम तब तक करेंगे जब तक ऑयल हमारा ऊपर ना आ जाए। तब तक हम घी, जब मसाला ऑयल को छोड़ दे तो फिर तब तक हम बुनाई करते रहेंगे। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से मिक्स हो गया मसाला, बहुत जबरदस्त लग रहा है। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम सब्जी डालेंगे और हंडी तैयार होने के बाद हम रोटियां बनाएंगे। अभी हम सब्जी इसके अंदर मसाले की बुनाई हो चुकी है तो अभी हम इसके अंदर सब्जी ऐड कर देंगे। धो के रखी हुई थी, पानी खुशक हो गया। अभी इसको एक दो चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छी तरह जो है मसाला जो है हमारा वो सब्जी के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दस से 15 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। इसके बाद हम हल्का सा पानी लगा के तो इसको दम पे रख देंगे। ठीक, अब ये 10 से 12 मिनट इसकी बुनाई हो चुकी है। मसाला इसके अंदर सब्जी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे, हल्का सा बस। इसके बाद हम ढक्कन ऊपर दे के इसको ढांप देंगे तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। अगर तेज आंच में हम पकाएंगे तो ये जल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया, इसको पकने के लिए छोड़ दिया। हाँ जी, तो मैंने सोचा कि हांडी अभी हमारी ऊपर पक रही है लो फ्लेम पे, तो मैंने सोचा मैं साथ आटा गूंद लूं ताकि हमारी रोटियां भी साथ ही बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जब तक हमारी हांडी रेडी होगी, हमारा आटा थोड़ा नरम होगा, आटा थोड़ा नरम हो तो फिर रोटी उसकी अच्छी आती है। हाँ जी, तो हमारी हंडी हो चुकी है तैयार, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। देखिए माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त बन गए, टिंडे बनाए हैं देखिए। ऑयल हमारा जो है वो ऊपर आ चुका है, 20 से 25 मिनट लग गए हमारी हंडी बनते हुए। अब हम इसको नीचे उतार देते हैं। हांडी हमारी पक गई है तो अब हम रोटियां बनाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान। बच्चे खेल रहे थे छत पे तो मैंने कहा मैं जल्दी से खाना बना लूं। आज का हमारा ब्लॉग जो है यहीं तक था, तो इसलिए आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।